रिवीजन चैप्टर 3 मैट्रिसेस. यस्टरडे मैम हैज सेंट यू सम दैट फॉर्मूलाज आल्सो, डायरेक्ट फॉर्मूलाज दैट कैन बी अप्लाइड. तो आपको वो रिजल्ट्स जो है वो लर्न करनी है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, सपोज पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस एंड वी आर गिवन द ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. Order of matrix P is 3 by n. Order of matrix Q is n cross P. And the order of, we are to find the order of matrix P cross Q. Kya aega? Simple question. Anchi? Question hai, order of matrix P is 3 cross n. Q is n cross p. What will be the order of matrix p cross q? ये सेम है बच्चे. हाँ तो ऑर्डर p q का क्या आ जाएगा? 3 cross p. जो सेम है वो छोड़ के ये नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. अब दिस क्वेश्चन इज 004 040 400. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज क्यों? ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जितनी इधर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज उतनी बनेंगे. 3x3 ऑर्डर की है. जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. वो ठीक है कि डायगनल ऐसे नहीं, हम ऐसे लेके चलते हैं, तो डायगनल नहीं है. उसके साथ दूसरी ऑप्शन और क्या दी हुई है इन्होंने? यूनिट भी नहीं है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू वन. तो स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हमने निकालना है ऑफ द ऑर्डर 3x3. ये भी बुक का ही क्वेश्चन है आपका. 3x3 ऑर्डर की हम एक मैट्रिसेस बना रहे हैं. हमें पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है इफ द एलिमेंट्स विद विच द एंट्रीज विल बी मेड, यानी कि जो एलिमेंट्स की वैल्यू है मैट्रिसेस के, दैट कैन बी ओनली 0 और 2. दो एलिमेंट्स 0 और 2 से हमने मैट्रिसेस फॉर्म करनी है और मैट्रिसेस का ऑर्डर होना चाहिए 3x3. हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल? कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ जी क्यों? 5 क्यों होंगे? टू एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? इधर विद 0 और विद 2, टू वेज. दिस कैन बी फिल्ड इन टू वेज. टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 3x3 में? 3 3s are 9 एलिमेंट्स होंगे. हर प्लेस जो है वो टू वेज में फिल हो रहे हैं, यानी कि 9 places will be filled in 9 times मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 2 raised to power 9. जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे दैट रेस टू पार जो ऑर्डर होगा उनका प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट गिवन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, इनमें से कौन सी जो वैल्यूज हैं ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल. एक्स और वाई की वैल्यूज आपको निकालनी है जिसके जिन वैल्यूज के करके जो आपकी गिवन मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे. थ्री एक्स प्लस 7, दिस इज गिवन वाई प्लस 1, दिस इज 5, दिस इज 2 माइनस 3x और 0 8 y-2 and 4. ये भी बुक का ही है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द गिवन मैट्रिसेस विल बी इक्वल. ऑप्शंस आगे गिवन है, मैं ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, आप मुझे वैसे बताओ कि. हाँ जी, 3x plus 7 equal to 0. ओके,
एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे +7 नाउ। एक एलिमेंट्स के कंपैरिजन से हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है -7/3, दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन से हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है -2। इज इट पॉसिबल टू हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन सेम मैट्रिक्स? मैम, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इट रॉन्ग. विच इट इज स्टेप? 2 - 2 = 4. 2 - 3x इक्वल टू 4, इट्स करेक्ट। यहाँ पे दिस विल बी 2, दिस विल बी -2/3। देन अगेन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर डिफरेंट, सो व्हाट टू डू? एट अ टाइम इन वन मैट्रिक्स एक्स विल हैव सेम सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी, या ये। अब यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ये वाली जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही है फॉर एक्स इज इक्वल टू -7/3, ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है फॉर एक्स इज इक्वल टू -2/3। तो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। जब इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं तो आपकी वो मैट्रिसेस किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगी। सो इसमें आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन है एक, दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद हाँ जी, बेशक वाई आ रहा है बच्चे, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगल है ना, एक मैट्रिक्स के लिए जब ये दो एलिमेंट्स ही नहीं हमारे सेटिस्फाई हो रहे तो ये बेशक सेटिस्फाई हो तो आंसर नहीं हो गया, ठीक है? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ही आएगा आपका आंसर। ओके, अब एक कंसेप्ट देख लो कि अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस आपकी क्या होती हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मान लो मैंने ली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये मैट्रिक्स जो है हमारी, इसमें हम डायगनल एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। अब एक मैट्रिक्स जो है हमारी अपर ट्राइंगुलर होगी अगर डायगनल के बिलो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे वैनिश कर जाएंगे। मान लो मैंने डायगनल ले लिया 1, 2, 3, तो अगर ये वाले एलिमेंट्स जो है मेरे बिलो द डायगनल, ये वाले एलिमेंट्स वैनिश कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म, तो दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सेम वे में अगर अबव द डायगनल एलिमेंट्स आपके 0 बन जाते हैं तो ट्राइंगल आपका नीचे की तरफ बनेगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स वाला, सो दिस इज अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है -5, 3 and -8। मैट्रिक्स दिस इज ए इज इक्वल टू x 0 5 y 5 4। दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इट मीन्स डायगनल के बिलो वाले एलिमेंट्स विल ऑल विल वैनिश, यानी कि विल ऑल बी 0। तो x 0 आ गया आपका, y 0 आ गया, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, 0 + 0 इज 0, ठीक है? तो अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर अगर आपको पता होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 27। रोज एंड कॉलम्स का जो प्रोडक्ट है वो 27 है,
So how many number of possible different ordered matrices are there? Yeah, how many different ordered matrices are possible whose product of rows and columns is 27? हाँ जी, हाँ, फोर. कौन कौन से बने? 127, 27, 1, 3, 9, and 9, 3. So there are four possible orders for this. अब ए हमें गिवन है 1, 2x, 0, 1, 0, 0, 0, 1. दिस इज द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 1, 2y, 0, 1, 0, 0, 0, 1 and product of AB हमें given है, that is an identity matrix of order 3. We have to find the value of x plus y. क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमें गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लो क्या आएगा. फर्स्ट एलिमेंट विल बी दिस इनटू दिस, 1 into 1, 1, 2 0s are 0, x 0s are 0, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1. देन मल्टीप्लाई दिस विद द सेकंड कॉलम, 1 into -2 is -2, then 2 into 1 is 2, -2, +2, +0. Next will be y + 0 + x. Now the second 0, 1, 0, then 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tino elements 0, then 0 into -2 is 0, then 0 into 1 is 1, 0 into 0 is 0. प्रोडक्ट है सिंपली, यू कैन डू इन योर ओन वे. तो नेक्स्ट इज अगेन 0. अब थर्ड पे आएंगे हम, तो 0 into 1, 0 into 0, 1 into 0, दिस इज 0. देन 0 into -2, 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0. देन 0 into y, 0 into 0, 1 into 1 is 1. तो ये एलिमेंट भी हमारा 0 बन गया, ये एलिमेंट हमारा x प्लस y बन गया. अब ये किसके इक्वल हमें गिवन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0. ए गिवन है हमें 2 by 2 order matrix given है. Iota 0, 0 and iota. You are to find the value of a to the power 4 n. क्या करें? A to the power 4n. क्या करें? A to the power 4n को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे. अब क्या करें? ये निकाल लें, क्या आएगा? पहले ये स्क्वायर निकाल लो. बताओ क्या आएगा? ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है. आयोटा इंटू 0, 0 into iota is 0. अगला लो 0 into iota, iota into 0 is 0. अगला 0 into 0, iota square हो गया.
माइनस वन. अब ए क्यूब निकालो, दिस इज माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन इंटू आयोटा जीरो. हाँ जी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो. हाँ वो भी ठीक है, ऐसे कर लो. वन आ गया, जीरो आ गया, ये भी जीरो, अगला वन. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितनी मर्जी पावर ले लें, दैट विल ऑलवेज बी आइडेंटिटी. सो ए टू द पावर फोर एन विल अगेन बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So a to the power 4n is 1, 0, 0 and 1. Next question is find the value of k if a is 1, 3, 3, 4. And we are given that a square minus k a minus 5 I is equal to null matrix. Find the value of k. A square kya aayega? टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव, बिल्कुल ठीक है. आगे यहां पे पुट करें क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के टाइम्स ए माइनस फाइव टाइम्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. चलो आगे. हाँ जी ओके ये ले गए. चलो अब आगे क्या बना? फाइव माइनस कहाँ कह रहे हो? अच्छा एक एक सिंगल लिखवा रहे हो पहले आप उनसे. ओके पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो, यही बता रहे हो? चलो बताओ. हाँ फाइव आ गया, फिफ्टीन ट्वेंटी ओके, और ये बन गया के थ्री के थ्री के फोर के. हाँ इसको चलो ये लिख दिया मैंने. हाँ जी के की हर एक से वैल्यू आपको क्या मिल रही है? फाइव. तो के इज इक्वल टू फाइव के लिए जो आपका ये गिवन एक्सप्रेशन है दैट विल बी ट्रू. इसी वे में आपको डायरेक्ट आ सकता है, जैसे ए ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस फाइव आई, किसी भी तरीके से आ सकता है. अब मैट्रिक्स ए गिवन है हमें कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा and sine square theta, and matrix B is cos square phi cos phi sine phi sine phi cos phi and sine square phi. Then
AB is equal to null matrix if आगे options given है हमें theta is equal to n phi then theta plus phi is equal to n pi theta is equal to phi plus 2n plus 1 into pi by 2 and theta is equal to pi plus n pi by 2 where n jo hai aapka that is a whole number 0 1 2 3 iski jo values hain wo vary karenge हाँ करो क्या आएगा ये नहीं अगला एलिमेंट क्या आएगा यहां लिख दूं इजी हो जाएगा Online students also do this multiplication and tell me the result quickly. Haan. Haan, sine square phi. Hariya bache, do the product quickly. फर्स्ट एलिमेंट बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव पहले इतना ही देखो फर्स्ट एलिमेंट इसमें से कॉस फाइव कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या रह गया अंदर हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बनेगा ये cos of a minus b ठीक है अब अगला एलिमेंट लो सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा cos square theta into sin phi cos phi sin theta cos theta into sin square phi यहां ऊपर करके लिख रही हूं मैं इसको cos square theta sin phi cos phi plus sin theta sin square phi sin theta cos theta अब क्या कॉमन आएगा साइन फाई और कॉस थीटा तो क्या रह गया साइन फाई कॉस थीटा का एक ये गया और इधर से ये गया और कॉस थीटा ये गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई सेम चीज आ गई अब थर्ड एलिमेंट cos theta सारे करके देखो cos theta sin theta cos square phi next
प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, यहां लिख देते हैं फिर कॉमन लेके अगले में लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव क्या कॉमन आएगा यहां से, साइन थीटा और कॉस फाइव। क्या बचा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सेम चीज अगेन। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ, क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा साइन थीटा साइन फाइव, नहीं कॉमन क्या आ रहा है वो भी चेक करो। कॉस थीटा कॉस फाइव देन साइन थीटा साइन कॉस फाइव साइन फाइव, ठीक है साइन थीटा कॉस फाइव एंड साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू जीरो कब होगा, ये कंडीशन हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू जीरो इफ ये गिवन है, ए बी इक्वल टू जीरो गिवन है, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो आ गया। हाँ जी, एक ही हमें तो एन के लिए लेना है ना, जनरल सॉल्यूशन देना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो यहाँ से पुट कर दो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू फाइव प्लस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑप्शन सी इज योर आंसर। कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ बस आपने ध्यान से करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा नाउ वी आर गिवन ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए, एंड ऑप्शन डी इज ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, दिस इज प्लस बी ए एंड माइनस ए बी, नॉर्मली आप लेते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेते हो डायरेक्ट फॉर्मूला, बट यहाँ क्योंकि आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई है दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो ए बी और बी ए वाला जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको. क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर. कौन सी ऑप्शन है, सी. अब हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, बी टू ए टू वन माइनस टू माइनस टू टू माइनस वन, और वो कह रहे हैं कि दिस इज सेटिस्फाइंग. ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 identity matrix multiplied by identity matrix of order 3, then find the values of A and B. क्या करें, जो given है, हाँ जी, A A transpose is equal to 9 into identity matrix put कर देंगे. What will be the value of A transpose? Now what will be the product? Last time जब मैंने बच्चे टेस्ट लिया था तो प्रोडक्ट वाला जो है कई बच्चों का गलत था. So you are to do a lot of practice for this. पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट. देन इसकी पोजीशन हमारी क्या होती है, ए वन टू, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इधर से फर्स्ट रो को इधर के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वन टू, एंड दैट इज बी इंटू टू, टू इंटू वन, ए इंटू माइनस टू. क्या आएगा, थर्ड एलिमेंट माइनस टू बी. सेकेंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फोर कहां से आ गया, ठीक है आगे. नेक्स्ट. माइनस फोर प्लस टू प्लस टू. नेक्स्ट. माइनस ए, ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ठीक. अब हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस दिस थिंग, इक्वेट देम एंड गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. कर लोगे कंप्लीट, so your value of a will be 2 and b will be 1. a की वैल्यू आपकी 2 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी. इसको इक्वल टू 9, ये हो गया आपका 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 9. तो ये चार टर्म्स आपकी मैच कर रही हैं, बाकी जो फोर बन रही हैं उनमें से कोई दो इक्वेशंस लेके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b और उनको चेक कर लोगे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. सो योर वैल्यू ऑफ a विल बी 2 एंड b विल बी 1. So as the bell has gone, so I'm ending the meeting. If anyone is having any doubt, you can ask.